मेरा नाम है किशोरी लाल गुप्ता, माला है मौलश्री चौक अग्रवाल टोली होते हुए पटवा टोली है। समाज के जो पूर्व अध्यक्ष थे सम्मानित किशोरी लाल प्रसाद जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि ये देखिए हमारी बेटी है तो हम तो बेटी ही समझते हैं। रह गए सिवान की भी बेटी हैं और सिवान के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं इनसे यही कहूँगा और समाज से भी यही कहूँगा कि आप पूरे तन मन धन से इनका सहयोग करें। जो थी उस समय तो कुछ ठीक था, कुछ व्यवस्था साफ सफाई ठीक था, कुछ लोग सुनती भी थी, आजकल तो है कि लोग का किसी कोई सुनता ही नहीं है। राधा गोका हमारे घर की लड़की हैं, हमारी बेटी हैं, इनके लिए हम नहीं पूरा हमारा समाज जो है इनके लिए लगा हुआ है और हमारी शुभ कामना है, बहुत भगवान से प्रार्थना है, माँ दुर्गा का समय है, उनसे भी अनुरोध है कि इनको बहुत बड़े बहुमत से विजयी बनावें। हमने कहा कि कहीं समाज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा समाज एकजुट होकर तन मन धन से मेरे साथ है। कार्यक्रम अच्छा रहा है, उम्मीदवार तो होते ही हैं, उम्मीदवार होंगे भी, सब लोग अपने अपने प्रयास में हैं, लेकिन हमारी शुभकामना इनके साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये अच्छे ढंग से मुझे आशीर्वाद भी दिया, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही और रहेगा है और तन मन से रहेगा। आज भी हम इनके पीछे लगे हुए हैं, इनके विजय के लिए, इनके शुभकामना के लिए, और हमको लग रहा है कि हमारे जो भी है परिवार के लोग ही हैं। आप भी तो मंदिर में भी आमंत्रित किया है कि वहाँ आकर मैं साईं बाबा का मैं आशीर्वाद लूं और साथ में वो मुझे ये आश्वासन दिए हैं कि वो मुझे मोहल्ला का भी भ्रमण कराएंगे। पूर्ण रूप से अपने दिल से भगवान इनको निश्चित रूप से विजयी बनाए और हमको चूँकि थोड़ा अनुभव भी है बाजार का, समाज का, लोगों के मतों का, तो लगता है कि मोहल्ले के लोग मुझे नहीं लगता है कि ये मोहल्ले वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर वाले मुझे आमंत्रित कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बैस समाज की सबसे बढ़िया है, इनमें वो यही खासियत है कि सुख में कम लेकिन दुख में सबसे पहले यही दौड़ती है। व्यवसाय वर्ग में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, व्यवसाय वर्ग एकजुट होकर के और एकदम कमर कस लिया है और लगे हुए हैं लोग और सब लोग एक कहीं ना कहीं हर दिन बैठक के कर रहे हैं और इस चुनाव को कैसे जीत हासिल कराया जाए इस मुहिम में लगे हुए हैं। सिवान में हो रहे नगर परिषद चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों का चुनावी दौरा तेज हो गया है। द्वितीय चरण यानी 20 अक्टूबर को नगर परिषद का मतदान होना है। वहीं अनुराधा गुप्ता का चुनावी दौरा पहुंचा सिवान शहर के पटवा टोली में, जो व्यवसायियों का घर माना जाता है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने वैश्य समाज के प्रसिद्ध किशोरी प्रसाद गुप्ता, जो मदेशिया कानू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे अनुराधा गुप्ता ने आशीर्वाद लिया और किशोरी प्रसाद गुप्ता ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ दी और जीत की बधाई भी दी और कहा कि समाज के लोग उनके साथ हैं, तन मन धन से उसके साथ लगे हुए हैं। अनुराधा गुप्ता का चुनावी दौरा लगातार हर वार्ड में जा रहा है और लोगों से मिल रहा है, भरपूर लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो सुनिए व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जो मलेशिया कानू के रह चुके हैं किशोरी प्रसाद गुप्ता ने क्या कुछ कहा और साथ ही मोहल्लेवासी ने क्या कुछ कहा और सभापति प्रत्याशी अनुराधा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैं किशोरी लाल गुप्ता, माला है मौलश्री चौक अग्रवाल टोली होते हुए पटवा टोली है। क्या कहेंगे अनुराधा गुप्ता वोट मांगने के लिए आपके द्वार पे आई है, क्या कहेंगे? अनुराधा गुप्ता हमारे घर की लड़की हैं, हमारी बेटी हैं, इनके लिए हम
हम नहीं, पूरा हमारा समाज जो है इनके लिए लगा हुआ है। और हमारी शुभ कामना है, बहुत भगवान से प्रार्थना है, माँ दुर्गा का समय है, उनसे भी अनुरोध है कि इनको बहुत बड़े बहुमत से विजयी बनावें। ये हमारी शुभ आशीर्वाद भी है। ये देखिए हमारी बेटी है तो हम तो बेटी ही समझते हैं, रह गए सिवान की भी बेटी हैं और सिवान के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। इसलिए मैं इनसे यही कहूँगा और समाज से भी यही कहूँगा कि आप पूरे तन मन धन से इनका सहयोग करें। समाज की बात है कि किसको चुने? देखिए इनका जो है हमारे साथ जो लगाव है, प्रेम है, जो हमारे अपनी अपनत्व है, और इनके बारे में जो भी हम जानते हैं, इनका आज कार्यक्रम अच्छा रहा है। उम्मीदवार तो होते ही हैं, उम्मीदवार होंगे भी, सब लोग अपने अपने प्रयास में हैं, लेकिन हमारी शुभकामना इनके साथ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये अच्छे ढंग से विजयी हो। देखिए ये तो एक मैंने मिली जुली बात हो गई, सब लोग अपना अपना प्रयास में है, आपका आशीर्वाद इनको है, इनको है और रहेगा, है और तन मन से रहेगा। आज भी हम इनके पीछे लगे हुए हैं, इनके विजय के लिए, इनके शुभकामना के लिए। और हमको लग रहा है कि हमारे जो भी है परिवार के लोग ही हैं, आप भी तो है ही हैं, विजय का आशीर्वाद इनको दे दिए एकदम पूर्ण रूप से, अपने दिल से भगवान इनको निश्चित रूप से विजयी बनाए। और हमको चूँकि थोड़ा अनुभव भी है बाजार का, समाज का, लोगों के मतों का, तो लगता है कि अवश्य बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एकदम तन मन धन से बना रहेगा। आप देखे होंगे कि इस मोहल्ले में सारे मोहल्लेवासी हमारे अपने लोग हैं और उन लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन हमारे समाज के जो पूर्व अध्यक्ष थे सम्मानित किशोरी लाल प्रसाद जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि कहीं समाज में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा समाज एकजुट होकर तन मन धन से मेरे साथ है। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही जी। उन्होंने मुझे साईं मंदिर में भी आमंत्रित किया है कि वहाँ आकर मैं साईं बाबा का मैं आशीर्वाद लूं, और साथ में वो मुझे ये आश्वासन दिए हैं कि वो मुझे मोहल्ला का भी भ्रमण कराएंगे। मोहल्ले के लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये मोहल्ले वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर वाले मुझे आमंत्रित कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। व्यवसाय वर्ग में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, व्यवसाय वर्ग एकजुट होकर के और एकदम कमर कस लिया है और लगे हुए हैं लोग, और सब लोग एक कहीं ना कहीं हर दिन बैठक के कर रहे हैं और इस चुनाव को कैसे जीत हासिल कराया जाए इस मुहिम में लगे हुए हैं। सिवान में गंदगी बहुत ज़्यादा है, नाली का भी प्रॉब्लम है, हर तरह से समस्या है, इस समस्या का समाधान करेंगे अनुराधा गुप्ता, उनकी जीत हासिल है। सबसे बड़ी समस्या है इस मोहल्ले में सफाई नहीं होती है और यहाँ अंधेरा पूरा ये गली, सोलर लाइट लगा हुआ था, सोलर लाइट वो जोरी जोरी बैटरी से खत्म हो गया, उसका बल्ब भी खराब हो गया, कहते कहते हमारे वार्ड पार्षद ने कुछ नहीं किया अभी तक, कर देंगे करने वाले पार्षद देवेंद्र गुप्ता, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो अब यही समस्या है, आगे वाला फुलवाड़ी के सामने जो रोड है, ज़रा सा 5 मिनट बारिश होने पर एकदम घुटने में पानी लग जाता है, नाली से पानी बहता ही नहीं है, और नाली की सफाई क्या होती है। कितना साल से सिवान का विकास रुका हुआ है? मेरे समझ से सिवान का विकास 20 वर्ष रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, छवि के आदमी हूँ, ये व्यापार हो गया है। अभी अखबार में देखिए कितने लोगों का मुकदमा चल रहा है, जो उसके फलस थे उसके अधिकारी थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर परिषद जो है जन साधारण के ठीक से रहे, उस बीमारी नहीं हो, सफाई हो, रोग नहीं फैले, चलने में दिक्कत नहीं हो, रात में अंधेरा नहीं हो, ये सब व्यवस्था करनी है। अनुराधा गुप्ता जो थी उस समय तो कुछ ठीक था, कुछ व्यवस्था साफ सफाई ठीक था, कुछ लोगों का सुनती भी थी, आजकल तो है कि लोग का किसी कोई सुनता ही नहीं है। बहुत पहले सिवान में दाढ़ी बाबा चेयरमैन थे, दाढ़ी बाबा ने क्या किया सिवान के लिए, कोई पैसा लूटा, कुछ बचा लिया, अपना सब कुछ लगा करके वो बच्चों को पढ़ाते थे, और ये छोटे प्राइमरी स्कूल लेकर कॉलेज तक स्कूल तक खोल दिया उन्होंने। आप वही नाली उली का है, सफाई का है, रोड का है, जो कायदे से बनता नहीं है, टूटता है, हमेशा बनता रहता है, फ्रेश काम नहीं हो पाता है, नहीं कराते हैं, लेकिन कल परसों से देखे कि कुछ दूसरे वार्ड वाले भी आ करके
जब वार्ड हमारा दो हो गए, एक मिल गया है, वो भी वाकई इसमें कुछ काम करवा रहे हैं। अनुराधा गुप्ता आई हुई है, क्या कहेंगे? अनुराधा गुप्ता बैस समाज की सबसे बढ़िया है, इनमें वो यही खासियत है कि सुख में कम लेकिन दुख में सबसे पहले यही दौड़ती हैं, इसलिए हम लोग बैस समाज से इनको बहुत चाहते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार केसरी हुआ और टटोली मेरा मोहल्ला हुआ।